गुड मॉर्निंग ऑल। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैडम। ओके ओके, शैल वी स्टार्ट? स्टार्ट करें अभी? ओके, तो लिंक अभी भी नहीं शेयर किए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ आप शेयर करिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक आप सबको लिंक में आया होगा, आज का टॉपिक है गैनोथेरेपी। ओके, तो गैनोडर्मा जो किंग ऑफ हर्ब्स कहा गया है, तो उसके रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे गैनोडर्मा की बात हम करते हैं तो उसको किंग ऑफ हर्ब्स कहते हैं। तो किंग ऑफ हर्ब्स इसके वजह से, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है। और जैसे भी हम ऑल डीएक्सएन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें गैनोडर्मा भी इंक्लूड क्यों करना है, तो ये आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन शुरू करते हैं, हम जब बीमार पड़ते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो उसके दो मेन रीजन है। मेन चीज है टॉक्सिन, शरीर में जो टॉक्सिन तैयार होते हैं उसके कारण, और टॉक्सिन जो हम आउटर एरिया से भी, एनवायरनमेंट से भी जो बॉडी में चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि स्किन हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। तो स्किन तो डेली लाइफ में स्ट्रेस, पोल्यूशन, और ज्यादा से ज्यादा स्किन हमारे एक्सपोज होती रहती है टॉक्सिन्स की तरफ। तो ये स्किन के थ्रू भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। क्योंकि पेशेंट का ऐसा कहना होता है कि अगर टॉक्सिन्स हमारे शरीर में नहीं जा रहे हैं, हम कुछ कुछ खा पी नहीं रहे हैं, ऐसा सब हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी है, लाइक हम ब्रीदिंग करते हैं तो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके थ्रू टॉक्सिन्स हमारे अंदर चले जाते हैं। आजकल सबका लाइफस्टाइल ही वैसा बन गया है, उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी का सिस्टम। तो ये टॉक्सिन्स का, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हमारा स्ट्रेस है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, फ्री रेडिकल्स जो एयर पोल्यूशन में होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में भी हमारे बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स होते हैं उसके रिलेटेड भी जो तैयार होते हैं, वो भी फ्री रेडिकल शरीर में अगर वैसे ही सैचुरेट होते रहते हैं, शरीर के बाहर नहीं आते, तब भी हमें टॉक्सिन्स लेवल है जो शरीर के अंदर बढ़ती जाती है। पोल्यूटेड वाटर है, केमिकल्स है, ड्रग्स मतलब कोई भी ड्रग्स रिलेटेड, कोई भी, जैसे लॉन्ग टर्म आप मेडिसिन कोई भी ले रहे हो तो उसको भी रिलेटेड हमारे किडनी के ऊपर वो इफेक्ट पड़ जाता है कि टॉक्सिन्स लेवल जो है बढ़ जाता है। क्योंकि किडनी का ही काम होता है फिल्टर करना, तो हर एक टॉक्सिन जब बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर तो किडनी के ऊपर ही ज्यादा इफेक्ट होता है। और ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स में कुछ बाहर का खाना खाते हैं लोग, अनहेल्दी डाइट होता है, भूख नहीं लगने के बाद भी वो अगर खाना खा लेते हैं तो इनडाइजेशन होता है शरीर के अंदर। कुछ कुछ लोगों को आदत होती है ना कि भूख नहीं लगती है, फिर भी टाइम हो गया है खाने का, इसलिए वो खाना खा लेते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली। कहीं कहीं में डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से सिक्रेट नहीं होती है ड्यू टू देयर क्रॉनिक इलनेसेस, या फिर साधारण सी फीवर भी हो गया, फीवर के बाद भी ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती है टाइम पे, फिर भी ऐसा घर वाले कुछ फोर्स करते हैं कि आप खा लो खाना, हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर भूख आपको नहीं लग रही तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ हल्का ही आहार आप ले ले। अगर आप फिर भी खाना खा लेते हो तो वो आयुर्वेद में उसको आम कहा गया है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, जो शरीर में वैसे ही सैचुरेट होता है, और जो भी हमारे चैनल स्रोतस जो बताए हैं, जैसे प्राणवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस, जो जो स्रोतस बताए गए हैं वहां पे जाके वो सैचुरेट होता है। जैसे कि हम कहते हैं यूरिक एसिड, यूरिक एसिड भी एक टॉक्सिन है, जो प्रोटीन का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तब वो तैयार हो जाता है यूरिक एसिड, तो वो भी एक टॉक्सिन की तरह ही माना जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में बढ़ाई दे रहा है, या फिर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं, किडनी के स्टोन्स होते हैं, वो सैचुरेट हो के ही ये स्टोन्स बन जाते हैं शरीर के अंदर। जो चीजें शरीर से बाहर निकलनी चाहिए वो शरीर के अंदर ही अगर सैचुरेट होने लगी तो ये टॉक्सिन्स जमा होती है। ठीक है, तो खाने पीने में भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। जैसे बहुत सारा एसिडिक फूड हमने ले लिया, हमारी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक है, उसमें से हम एसिडिक फूड ले लेते हैं तो एसिडिक लेवल बढ़ जाता है शरीर के अंदर, तो वो भी ध्यान देना है कि इससे भी इम्बैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है बैलेंस। तो बॉडी हमें कभी भी एक डिफेंस दे देती है, क्योंकि हमारा खुद का एक इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी हमारी अगर नॉर्मल रहती है तो बॉडी खुद इम्यूनिटी देती है ये तीन लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल है डिस्चार्ज फेज,
सेकेंड लेवल है पुट असाइड फेज और थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस है ट्यूमर डेवलपिंग फेज। ओके, सो डिस्चार्ज फेज में क्या होता है, जब भी टॉक्सिन आपके शरीर के अंदर जाता है, जैसे कि अगर आप धूल में गए, मिट्टी में गए, तो आपके धूल मिट्टी से आपको स्नीजिंग होने लगता है, स्नीजिंग से आपका नेजल डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब वो डिस्चार्ज की एक फेज है। बॉडी आपकी इम्यूनिटी फर्स्ट लेवल डिफेंस कर रहा है, मतलब जो भी वो डर्ट है या फिर डस्ट पार्टिकल्स है आपके नेजल कैविटी के थ्रू अंदर गए हैं, तो वो स्नीजिंग के थ्रू या फिर डिस्चार्ज के थ्रू बाहर लाने का बॉडी प्रयास करती है। तो इसकी वजह से डिस्चार्ज कहीं पे भी अगर आपको डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, जैसे कि स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, यूरिन में से आपको डिस्चार्ज हो रहा है, राइट, यूरिन जैसे डायबिटीज पेशेंट में हम देखते हैं, तो शुगर जो है अतिरिक्त मात्रा में अगर शुगर बढ़ रही है, तो उसको भी हम टॉक्सिन के ऊपर ही कंसिडर कर सकते हैं। तो शुगर के पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो उनका टॉक्सिन वो बढ़ गया, तो ये एक बॉडी का डिफेंस फेज है, वो उसको डिस्चार्ज फेज कहते हैं। फ्लेगम, जैसे कि कफ ज्यादा बढ़ गया है तो कफ भी शरीर के बाहर निकलने लगता है, वो भी आपका डिस्चार्ज फेज है बॉडी का, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। स्टूल्स भी, जैसे आपको फूड इन्फेक्शन होता है, कभी भी बाहर जाते हैं कुछ इधर उधर का खा लिया, फूड इन्फेक्शन होता है, तो लोगों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तो उसका एक डिफेंस मेथड है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन शरीर के अंदर है वो मोशन के थ्रू शरीर के बाहर निकलते हैं। पुट असाइड फेज, उसके बाद आता है, अगर ऐसा हो रहा है बॉडी को कि स्त्राव निकल रहे हैं, डिस्चार्ज निकल रहा है, फिर भी हम उसको ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये दूसरा फेज आता है पुट असाइड, मतलब ये क्रिस्टलाइज के रूप में शरीर के अंदर सैचुरेट होने लगता है, जैसे कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल हो गए, ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल हो गए, जो किडनी स्टोन बनते हैं उससे, तो ये क्रिस्टल, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, या फिर शुगर जो है वो सैचुरेट होने लगती है बॉडी के अंदर, तो ये आपका पुट असाइड फेज में आप चले जाते हो, कोलेस्ट्रॉल भी है और फैट भी, जो बैड फैट होता है ना, वो भी बढ़ जाता है। थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस है ट्यूमर डेवलपिंग फेज होता है, अगर वहां पे कुछ भी फ्री रेडिकल्स जमा हो रहे हैं, तो उसके आसपास जो है ना, तो एक ट्यूमर डेवलप होता है, मास तैयार होता है वहां का, तो रेडिकल, फ्री रेडिकल है या फिर आपके स्टोन्स है, यूरिक एसिड का एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है उसके अंदर, तो ये ट्यूमर डेवलपिंग फेज थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस है। तो जैसे जैसे आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करोगे, वैसे वैसे टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ते रहेंगे, और ये ट्यूमर की साइज भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, तो ये मेन रीजन होता है अनहेल्दी होने का, राइट। तो अनहेल्दी हम क्यों होते हैं, ये मैंने अब तक बताया आपको, तो अभी मैं एक मिनट का ब्रेक लेती हूँ। ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है हर बुधवार को डीएक्सएन क्लिनिक्स में, आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, बुधवार को 10 से 4 के बीच में हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है, तो किसी भी पेशेंट को कोई डॉक्टर से बात करनी है, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ये जानना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन देना है, तो इस रिलेटेड भी आप बात कर सकते हो, तो एक नंबर नोट डाउन करिए, मैं एक मिनट के लिए रुकती हूँ। सो नंबर नोट डाउन कर लिया सबने, तो आप क्या करिए, ये जो मेरा लास्ट स्लाइड में भी मैंने नंबर लिख लिया है, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने देखा कि अनहेल्दी क्यों होते हैं और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, लेकिन ये सब अवॉइड करना है, हमें हेल्दी रहना है, तो फोर पिलर्स ऑफ हेल्थ है हमारे, जिसमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट एंड सप्लीमेंटेशन, या अगर फोर पिलर्स आप मेंटेन करते हो तो आप थ्रू ऑफ द लाइफ हेल्दी रह सकते हो। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे आएगा, अगर आप हेल्दी रहते हो, हेल्दी फूड लेते हो, पूरा हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वैसे ही रहता है।
कभी पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो बीमार होते हैं, बार बार वो बीमार हो रहे हैं, तो पेशेंट्स का मेंटल एटीट्यूड चेंज होता है, वो निगेटिविटी की तरफ जाते हैं कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक कैसे हो पाऊंगा, मैं इतना सब फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आप करेक्ट वे से आप फॉलो करते हो ना, तो आप उससे बाहर निकलते हो, और उसमें भी आप पॉजिटिव अगर रहते हो तो उस डिसीज से आप बाहर निकल सकते हो। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आजकल के जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। जैसे हम शून्य मेडिटेशन करते हैं, शून्य मेडिटेशन के बारे में सबको जानकारी है, जिन जिनको जानकारी है वो हैंड रेज कीजिए। मुझे देखना है किस किस को शून्य मेडिटेशन के बारे में पता है, जिन्होंने ज्वाइन किया है हैंड रेज कीजिए। ओके गुड, ओके गुड गुड, वेरी गुड। तो शून्य मेडिटेशन हमारा जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको सारे फूड सप्लीमेंट्स के साथ शून्य मेडिटेशन भी रेगुलर करना है। जो कर रहे हैं रेगुलर वो अच्छे से रेगुलर करे, ओके। और जिनको नहीं पता है वो जान ले आपके डिस्ट्रीब्यूटर से और आप वो रेगुलर करें। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अविभाज्य भाग है ये हमारा मेडिटेशन। देन आता है हेल्दी डाइट और सप्लीमेंटेशन। तो हेल्थ सप्लीमेंटेशन हमारे डीएक्सएन में बहुत अच्छे तरीके से है, अगर वो आप डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो उनको, तो आप हेल्थ आपकी मेंटेन कर सकते हो। ओके थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को शून्य मेडिटेशन पता है। तो हम जानते हैं फूड सप्लीमेंट्स के बारे में, एग्जैक्टली फूड सप्लीमेंट होता क्या है। तो फूड सप्लीमेंट्स हम ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट विटामिन है, न्यूट्रिशन है, वो हमें मिलता है, उसको हम फूड सप्लीमेंट कर कहते हैं। तो एज अ डाइट हम जैसे कि हेल्दी है फिर भी हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा जो नरिशमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है ड्यू टू अडल्ट्रेशन, या फिर जो स्ट्रेस है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है जिसके स्ट्रेस के, उसके वजह से नरिशमेंट नहीं हो पाता। तो फूड सप्लीमेंट हमें डाइट में क्यों इंक्लूड करने हैं, फॉर डेली पर्पज। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, रोज के रोज शरीर को हमें एनर्जी चाहिए होती है, रोज विटामिन्स की जरूरत होती है, रोज न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो पूरी करने के लिए एज अ डाइट जैसे कि रोज हम खाना खा रहे हैं वैसे ही हम खाने में फूड सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज है एज अ टॉनिक हम कैसे ले सकते हैं फूड सप्लीमेंट को। तो एज अ टॉनिक लेना है, जिनको भी डिफिशियंसी है, अगर आपको पता चल रहा है कि आपके मसल्स को वीकनेस है या आपके बोन्स में से आवाज आ रही है और ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप परेशान है, या फिर आपको नसों में कमजोरी लग रही है, झंझनाहट लग रही है, हेडेक होने लगता है, मतलब कोई भी बॉडी आपको सिम्टम्स दिखा रही है, इसका मतलब आपको एक कुछ तो डिफिशियंसी हो रही है, तो बॉडी आपको बता देती है। तो एक जनरल वीकनेस के लिए एज अ टॉनिक आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप किसी डिसीज से ग्रस्त है जैसे डायबिटीज है, पीसीओडी है, या फिर हाइपरटेंशन है, आईबीएस है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, आयुर्वेद में उसको ग्रहणी भी कहा जाता है, जिससे आप ग्रथित है, या फिर हाइपर एसिडिटी के वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, गैसेस, ब्लोटिंग, कोई भी डिसीज कंडीशन है उसकी वजह से अगर आपको न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है, तब आप एज अ टॉनिक उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और किसी भी डिसीज से रिलेटेड जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, तो उनको एज अ रिकवरी और स्ट्रेंथ मिलने के लिए एज अ टॉनिक आप ये यूज कर सकते हो। और फूड एज अ मेडिसिन भी कहा गया है। फूड एज अ मेडिसिन आप कब लेते हो, कौन कौन से सिचुएशन में लेते हो, जैसे आपको सर्दी बुखार हो गया तो आप हमारा मसाला टी ऐड करते हो, जैसे हम बच्चों को सर्दी बुखार हो रहा है हम हनी ऐड कर देते हो, तो उसको एज अ मेडिसिन ही है, ये फूड है लेकिन आप एज अ मेडिसिन ले रहे हो, पर्टिकुलर साइन और सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उसमें आप एज अ मेडिसिन फूड ही कंज्यूम कर रहे हो, तो ये फूड सप्लीमेंट है जो एज अ मेडिसिन भी आप अगर कोई कंडीशन है उससे आप ले सकते हो। जैसे कि खून की कमी है किसी के अंदर, तो आप स्पाइरोलिना, जागेरी, ये एज अ फूड आप इंक्लूड करते हो आपके खाने में, राइट। और चौथी बात है फूड सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं एज एन अब्सटेंशन, मतलब किसी को भी ऐसी आदत है कि बच्चों को कभी कभी आदत होती है चॉकलेट्स लेने की, या फिर सुबह सुबह वो दूध में अगर कोकोजी ऐड कर लेते हैं उसके अलावा, दूसरे प्रोडक्ट से अलावा अगर कुछ हेल्दी वो उसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो वो उसके बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। जैसे कि आपको शुगर अवॉइड करनी है तो आप जैगरी ऐड कर सकते हो। तो कुछ भी आप अनहेल्दी ले रहे हो उसको हेल्दी से कैसे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, उसको कहते हैं एज एन अब्सटेंशन, मतलब आपको शरीर को बैलेंस करने के लिए और ऑलरेडी जो इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक करने के लिए आप ये फूड सप्लीमेंट्स आपके डेली डाइट में ऐड कर सकते हो। तो गैनोडर्मा में हमारे पास है आरजी और जीएल,
आरजी है हमारे फ्रूट बॉडी से बनता है मशरूम्स के, मशरूम को किंग्स ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। तो मशरूम का जो हमारा कल्टीवेशन है, बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप जो अटेंड कर रहे हो, लाइक 50% लोगों ने तो हमारा खुद का कल्टीवेशन देखा होगा, हमारा खुद का ही कल्टीवेशन है, प्रोसेसिंग खुद का ही होता है डीएक्सएन का। तो इसके लिए क्वालिटी भी है, आपको उतनी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। और आरजी मेन काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में तैयार हुए हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि टॉक्सिन्स कैसे कैसे बन रहे हैं शरीर में, तो ये टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ऑर्गन फेल्योर जैसे भी आगे जाके कंडीशंस हो सकती है, और जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, वो भी आगे जाके हो सकती है। इसकी वजह से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन डेली होना बहुत जरूरी है। और जीएल जो है हमारा, जीएल हमारे शरीर को बैलेंस करता है, एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीएल बॉडी को बैलेंसिंग करता है। तो एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन फूड का मैंने आपको अभी दिया है, तो एसिडिक और अल्कलाइन फूड, हमें अल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है, एसिडिक फूड कम लेना है। तो एसिडिक फूड में आता है हमारा आरजे जीएल, स्पायरुलिना, या फिर कॉफी, कॉफी में भी हमारा गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, इवन हमारे वर्जिन कोकोनट ऑयल, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, तो ये भी आप डेली इंटेक करते हो, जैसे टी है, कॉफी है, तो उससे आपका अल्कलाइन फूड आप ज्यादा से ज्यादा ले रहे हो शरीर के अंदर, तो ये शरीर की एसिडिक लेवल है ना वो कम हो जाती है। तो एसिडिक लेवल अगर कम हो गई तो हमारे जो सेल्स होते हैं, सेलुलर फंक्शन भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो अल्कलाइन फूड आपको ज्यादा से ज्यादा शरीर में इंक्लूड करना चाहिए। तो गैनोडर्मा बॉडी पे वर्क कैसे करता है? गैनोडर्मा डायरेक्टली बॉडी पे ऐसा वर्क करता है कि वो हमारे बॉडी को इतना कैपेबल बना देता है कि इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी खुद हमारे रोग के तरफ प्रोटेक्ट करती है, राइट? तो गैनोडर्मा डायरेक्टली रोग पे काम नहीं करता, वो बॉडी के ऊपर काम करता है, बॉडी के ऊपर रिएक्शन दिखाई देती है आपको जब भी आप गैनोडर्मा स्टार्ट करते हो, तो वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, उनके टॉक्सिन लेवल क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट? तो गैनोडर्मा काम करता है ये 5 स्टेप से। तो पहला स्टेप है हमारा स्कैनिंग फेज। तो स्कैनिंग में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं एमआरआई होता है या फिर अल्ट्रासाउंड होता है, वो स्कैनिंग के स्टेजेस होते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली कोई भी शरीर के अंदर कहाँ पे ग्रोथ हो गई है, एबनॉर्मल ग्रोथ कहाँ पे है, या फिर स्वेलिंग कहाँ पे है, जैसे कोलोनोस्कोपी करते हैं उसमें भी पता चलता है इंटेस्टाइन में स्वेलिंग कहाँ पे है। तो एक स्कैनिंग का काम करता है, जहां जहां पे भी आयुर्वेद में जो स्रोतस बताए गए हैं, प्राणवह स्रोतस, रक्तवह, रसवह, मांसवह, जो भी स्रोतस है, जहां जहां पे आपकी टॉक्सिसिटी लेवल्स बढ़ी है, तो वो स्कैन कर लेता है। ओके, तो स्कैनिंग करके एक टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेता है। और फिर दूसरी स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन। एक बार उन्होंने टॉक्सिन स्कैन कर लिए, फिर वो डिटॉक्स कर देता है बॉडी को। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, कभी कभी आपको यूरिन, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। बहुत लोगों को ऑब्जर्वेशन है, अगर उन्होंने टी और कॉफी भी उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनको ऐसा होता है कि एक डायूरेटिक जैसा काम करना है, मतलब यूरिनेशन के लिए उनको जाना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसको आपका, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो आयुर्वेद में 3 मल बताए गए हैं, यूरिन, स्टूल और स्वेद, मतलब स्वेटिंग। तो स्वेटिंग से भी आपके टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको येलोइश कलर का कभी कभी स्वेट निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, तो वो स्किन के थ्रू ही बाहर निकलेगा। और मोशन भी कभी कभी पेशेंट को आरजीजीएल हाई डोज में ले लेते हैं, क्रॉनिक स्टेजेस होते हैं, तो उनको मोशन भी ज्यादा होने लगते हैं, लाइक लूज मोशंस होते हैं, लेकिन उन लूज मोशन में उनको वीकनेस नहीं रहता। तो इसका मतलब है उनका टॉक्सिन जो है वो शरीर के बाहर निकल रहे हैं। तो ये हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी शरीर में स्वेलिंग भी कम होती जा रही है और टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। जब भी आप देते हो लोगों को और ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर उनको वीकनेस नहीं आ रहा है, कोई अलग सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो एक डिटॉक्सिफिकेशन होने दीजिए बॉडी का, फिर बॉडी अपने आप बैलेंसिंग स्टेज पे जाती है, उसमें रेगुलेशन हो जाता है बॉडी का, ऑल एंजाइम्स, हार्मोन रेगुलेशन डिटॉक्सिफिकेशन के बाद में ये स्टेप आता है। और फिर अगर सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तो इम्यूनिटी बिल्डिंग के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि गैनोडर्मा में जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और फिर आती है बात रीजनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है।
क्योंकि रीजनरेशन शरीर के अंदर रोज के रोज होना जरूरी है। बॉडी सेल्स जो है हमारे रोज नए बनती है शरीर के अंदर, अगर रीजनरेशन प्रोसेस शुरू नहीं होती तो बॉडी बहुत जल्दी डीजनरेशन की तरफ जाती है, मतलब बहुत कम उम्र में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एज हो गई है उनकी। तो एंटी एजिंग का भी ये काम करता है। तो रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नए सेल्स शरीर के अंदर रोज के रोज बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा गैनोडर्मा करता है। तो गैनोडर्मा में 400 भी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही में ये एंटी ट्यूमर कहा गया है। शरीर में कहीं पे भी ट्यूमर है या फिर गांठ बन रही है किसी की, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। विद फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और डायट्री फाइबर भी हमें न्यूट्रिशनल मिल जाता है। एडिनोसिन जो है वो हमारे नर्व सेल्स के ऊपर काम करता है, जैसे वीकनेस हो रहा है तो हमारे नर्व सेल्स को एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है। अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, इन केसेस में नर्व का डीजनरेशन होता है। तो अगर डीजनरेशन नहीं होना है हमारे नर्व टिश्यूज का, तो ये हमें गैनोडर्मा हेल्प करता है बॉडी को एनर्जी देना और नर्व सेल्स को नए बनाने में, राइट। और ब्लड सर्कुलेशन भी ये इम्प्रूव करता है, इसकी वजह से हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है हाइपरटेंशन के पेशेंट में, या फिर जिनको ऐसा होता है कि बीपी उनका लो रहता है, या कभी कभी हाई बीपी में भी ये बहुत, ब्लड फ्लो अगर आपका रेगुलर होता है तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये ट्राइटरपिन्स इसको इफेक्ट करते हैं स्ट्रेस लेवल पे, हमारे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं नेचुरली, जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसके ऊपर। और सारे एंजाइम्स जो शरीर के अंदर बनते हैं वो लीवर के थ्रू बनते हैं। लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म करना, तो ये मेटाबॉलिज्म करना और लीवर का अगर क्लींजिंग होता जा रहा है अच्छे से, तो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि लीवर के नीचे होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मेन हमारा शुगर और एनर्जी लेवल है ना, वो नॉर्मल रखता है बॉडी के अंदर। तो हमारा लीवर का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गैनोडर्मा डायरेक्टली लीवर का क्लींजिंग एजेंट जैसा काम करता है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम, जिसको हम पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमारे शरीर को रोज होती है, तो ये ट्यूमर एंटी ट्यूमर भी काम करता है, फ्री रेडिकल्स को शरीर के बाहर निकालने का भी काम करता है, और जो भी टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज, उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसकी वजह से ये एंटी एजिंग भी काम करता है। और सेल स्ट्रक्चर, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, राइट। तो हमारा शरीर जब बनता है तो हमें सेलुलर लेवल पे काम करने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेली लाइफ में शामिल करना। तो ये सेलुलर लेवल पे काम करता है, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये इम्प्रूव करता है गैनोडर्मा। तो एक एक्टिव कंपोनेंट्स की लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई दी है, इसके ऊपर रिसर्चर्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं। रिसर्चर्स पेपर अगर आप सर्च करने जाते हो तो उसके प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्चर्स भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, मतलब ये जो एक्टिविटीज है प्रूवन एक्टिविटीज है सारी। तो गैनोडर्मा का डोसेज कैसा लिया जाए, राइट। तो गैनोडर्मा के डोसेज में जब भी आप शुरू करते हो तो फर्स्ट वीक 1 पेयर पर डे शुरू कर दीजिए, देन सेकेंड वीक में आप 2 पेयर्स पर डे, थर्ड वीक में 4 पेयर्स पर डे और फोर्थ वीक में 6 पेयर्स पर डे, ऐसा आपको स्टार्ट करना है। अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशंस होती है लोगों के अंदर, अगर टॉक्सिन्स लेवल ज्यादा दिखाई देती है तो कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं ले रहा हूँ लेकिन मुझे डिफरेंस नहीं पता चल रहा, मेरी बॉडी कुछ हील नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपको डोसेज बढ़ाना है। मतलब ये ग्रेजुअली डोसेज जो मैंने अभी दिखाई दिया है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये डोसेज के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जैसे आपको रिजल्ट या फिर कुछ भी, ऐसा कहा जाता है कि 21 डेज में आपको बॉडी से कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाई देता है, और मैक्सिमम पीरियड लगता है 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और डिसीज कौन सा है उनका उसके ऊपर। तो कभी भी आप स्टार्ट करते हो तो गैनोडर्मा आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, 1 पेयर से, फिर 2 पेयर, 4 पेयर और 6 पेयर। और फिर अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा लूज मोशंस होते हैं, कभी कभी 30 लूज मोशंस होते हैं, 40 लूज मोशंस होते हैं, तो डोज उतने में मेंटेन करिए आप, और जैसे उनको लूज मोशन, या कभी कभी डोज 1 पेयर से रिड्यूस भी करना पड़ता है कभी कभी, तो 1 पेयर से आप रिड्यूस कर सकते हो और वो उनको
स्टेबल उसी डोज पे रख सकते हो। जैसे कि कैंसर के पेशेंट है, उनको हमें ज्यादा डोसेस देना पड़ता है, लाइक 15-15 या 45 आरजी और जीएल हमें देना पड़ता है। तो ये डोसेज आप कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। और आप हेल्दी रहने के लिए ले रहे हो तो 1 पेयर 2 पेयर पर डे आप ले सकते हो। लेकिन गैनोडर्मा के साथ में जब भी आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, हमारे सी बकथॉर्न, पैनेक्स जिंसिंग, हेल्दी बोन्स या फिर मोरिंगा नोनी, ये ले रहे हो, अगर आप गैनोडर्मा के साथ ही उसको लेना है तभी उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं। ओके, तो मेनली डोसेज डिपेंड करता है, लेकिन ये करना है कि आपको ये कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी में रखना है। बीच में अगर गैप कर देते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं मिलता था 1 महीना 2 महीना, फिर भी पेशेंट स्टॉप कर देता है मेडिसिन, तो ये स्टॉप नहीं करनी है, कंटिन्यू रखना है। क्योंकि ये उसको टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर का जो कंडीशन आपका हुआ है वो 1 दिन में या 1-2 महीने में नहीं हुआ है, वो अब तक इतने सालों से आपने जो भी एक्सटर्नल स्ट्रेस फैक्टर या फिर टॉक्सिन्स लेवल जितना बड़ा है उसके ऊपर वो डिपेंड है, राइट? तो ये कंटिन्यू आपको रखना है। तो गैनोडर्मा के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ये हमारे क्लिनिक का नंबर है, जिन्होंने आप लिख के नहीं लिया आप फिर से लिख के ले सकते हैं। और सिर्फ गैनोडर्मा रिलेटेड ही जो भी क्वेश्चंस हैं अभी आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ओके, नवीन कुमार जी बात कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। और हमारा भी स्टार्टिंग में शुगर लेवल तो 400 से पार था, अभी 130-140 के आसपास है। हम अभी चाय का पानी में 1 आरजी लेते हैं, 2 जीएल लेते हैं और 10 ml नोनी जी लेते हैं। ओके। साथ में 2-in-1 कॉफी और स्पोरिना और अभी सी बेक्थोन और हेल्दी बॉन्स सबको मिला कर एक हेल्दी ड्रिंक बनाते हैं और वही हम सेवन कर रहे हैं, तो क्या यह सही है जी? और कितना आरजी और जीएल ले रहे हैं आप? आरजी और जीएल कितना ले रहे हैं? 1 आरजी ले रहे हैं 2 जीएल ले रहे हैं। ओके, ओके। 1 आरजी 2 जीएल। ओके ठीक है। बाकी ओवरऑल कंडीशन आपकी हेल्थ का कैसी है अभी? अभी तो मैडम